नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन मेडिसिन टिभाव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको रिफास्टॉप 200 mg टैबलेट का रिव्यू बताने जा रहा हूँ। ये जो रिफास्टॉप 200 mg टैबलेट मार्केट में आती है, मैनकाइंड कंपनी की आती है। 10 गोली का टैबलेट का पैक रहता है। ये जो 10 गोली का टैबलेट का पैक मार्केट में आता है, इसकी कीमत रहती है 148 रुपये और 50 पैसे, यानी 148 रुपीज़ एंड 50 पैसा। तो पूरी जानकारी लेंगे, दवा क्या चीज़ के लिए चलती है, इसका यूज़ कैसा करना है, इसका इफ़ेक्ट क्या है, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है। सबसे पहले यह दवा डॉक्टर की सलाह के अनुसार डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे लेनी चाहिए। यह दवा आपके नज़दीकी केमिस्ट के दुकान में, मेडिकल स्टोर में आपको मिल जाएंगी। इसके कंटेंट के बारे में देखेंगे, क्या कंटेंट कंपनी ने इसके अंदर डाले हैं। दोस्तों इसके अंदर रिफाक्सिमिन 200 mg सिंगल कंटेंट है, सिंगल इन्ग्रीडियंट है। इसके यूजेस के बारे में देखेंगे, क्या चीज़ के लिए चलती है। तो ये जो रिफास्टॉप 200 mg टैबलेट मार्केट में आती है, इट इज़ एन इफेक्टिव मेडिसिन यूज टू ट्रीट द बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ इंटेस्टाइन। दोस्तों ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन से छुटकारा पाने के लिए दवा दी जाती है। आपके इंटेस्टाइन के अंदर जो इन्फेक्शन हो गया है, उससे छुटकारा पाने के लिए दवा दी जाती है। इट इज़ यूज टू ट्रीट द ट्रैवलर डायरिया। दोस्तों अगर ट्रैवलर डायरिया की आपको शिकायत है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए दवा दी जाती है। और भी ये दवा आपको कुछ इरिटेबल बोल सिंड्रोम विद डायरिया कॉज ड्यू टू सर्टन स्पेसिफिक स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की वजह से आपको कुछ डायरिया की शिकायत हो रही है, कुछ तकलीफ हो रही है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए दवा दी जा सकती है। तो मेनली ये दवा ट्रैवलर डायरिया या फिर इंटेस्टाइन की जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की शिकायत है, इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम एसोसिएटेड विद डायरिया उसकी शिकायत है, तो उसके लिए चलता है। इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में देखेंगे, दवा से आपको क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। ये दवा की वजह से आपको नौसिया एंड वोमिटिंग की शिकायत हो सकती है, हेडेक की शिकायत हो सकती है, फ्लैचुनेस की शिकायत हो सकती है। ये दवा की वजह से आपको ड्राइनेस इन माउथ आ सकता है, डिजीनेस की शिकायत हो सकती है। और भी कुछ साइड इफ़ेक्ट, रिएक्शन, एलर्जी आपको नज़र आती है, तो आपके नज़दीकी डॉक्टर से आप मुलाकात कर सकते हैं। इसके डोसेस के बारे में देखेंगे, कैसा लेना है। जनरली इसको 2 टाइम इन अ डे, दिन में से 2 बार आप इसको ले सकते हैं। डोसेस के लिए आप अपने डॉक्टर का भी सलाह ले सकते हैं। ऐसे ही आने वाले बहुत से प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको जानकारी देते रहूँगा, इसलिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।